दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। हम जाना था वो तुहार और ये मालूम हो गए राहिल खान हमका चीना तो का अरे मुनाजिरा सुनते हैं अब खान का फलाने का धमाके का तो मालूम नहीं होगा हमका लाभ न कर भाई और तुम हमका चीना तो हम पूछ ले करी तुमसे गोरखपुरी भाषा है ये ना नैन ना जाइए तो मनवा माँ कसक हुई बे करी बस्ती का भाषा अलग है। हाँ नैन ना जाइए तो मनवा माँ कसक हुई बे करी। हाँ कुल कुल दुनिया छान के बैठा है तब अहले हदीस है। अरे तंका टटा म्यूजिक होनी चाहिए पीछे टिटा टिटा। यस यस यस। तो अभी अब्दुल्ला भाई से आपकी बात हुई थी काल पे, तो आप उनसे पूछत रहे जिन जिन्नात जो है हाँ, वो इमाम आजम की तकलीफ करा थे कि किसी और की। हाँ कुरान दलील से साबित करो। दलील दो, दलील दो। यही पूछे रहो ना। हाँ अच्छा ये जो आपने तर्जमा पढ़ा है कुरान से ये तर्जमा आपने खुद करा है या किसी का पढ़ा? देखो देखो दिखाओ दिखाओ। बने वल्लामा बने वल्लामा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जिन जिन्नात जो है किसकी कुरान की तफसीर और तर्जमा पूछते हैं? एका जवाब दो बस, एका जवाब दो बस। एक जवाब अपने के अल्लामा बना तो खत्म बात। दही का जवाब दही। हाँ तुम जो हमसे सवाल पूछत हो जिन जिन्नात जो है ये की तकलीफ करत है। हाँ तो इका जवाब वहीं पर लिखा है जहाँ पर ये सवाल लिखे है कि जिन जिन्नात किसकी तर्जमा पढ़त है कुरान का और किसका तफसीर पढ़ा दे कुरान का, उससे एक पन्ना छोड़ अगले पन्ने पे लिखे हैं। तुम कभी ना करो कभी बोलो तो वही पढ़ लो ना। तुमको इका जवाब तो मालूम ही भी करी ना। फंदा लगा है तो मन तो ऐसी मारता हूँ तो फिर आदमी जो है उठ नहीं पाता। हाँ कयास नीला नीला निशान पड़ जाता है दुकान तो कयास है। कयासी मजाम ना रही हम माने हमारे यहाँ तो कयास है। तुम्हारे यहाँ कयास का तुम्हारे यहाँ तो लिखा था कि कयास करने वाला सबसे पहले इब्लीस रहा। कयास तो इमाम अबू हनीफा और रहमतुल्लाह अलैह करते थे। अरे हम तुमका कयास में फंसा दे। चलो बताओ एक पैर पे। अच्छा एक पैर पे ने ने चूहा खाया और चूहा खाने के बाद पीने वाले पानी में मुंह डाल दिया। अब बताओ पीने पानी जायज होगा इंसान के लिए कि नहीं? अबू खान से पूछ लो। चलो बता कोई नहीं बता पाया कोई नहीं बता पाया। अरे वहाँ कोई ऐसा कोई कलाज जना ही नहीं उसकी अम्मा के जवाब हम जना कैसे है कहाँ जना सवाल है तो त्योहार भी तो बनावटी सवाल है कि जिन्नात की तकलीफ कर रहे हैं तो पहले मुर्गी पैदा पहले अंडा पैदा। मैं साबित कर दूं कि तुम खुद तकलीफ करते हो तो तुम अहले हदीस से तौबा करियो। अरे करियो कि ना करियो ये धरती अभी क्यों पैदा ना आई भाई? अरे हम पैदा हो गए आने वाले कुछ दिनों में तुम्हार लौंडे का वो मुनाजरा कर पाए और उठा पटक कर पाए। चलो तो हम अगर तुमका साबित कर दे कि तुम हो तकलीफ करा तो और वो भी तकलीफ करा तो सुनो 14 साल रहा। अरे सुनो तो हमको अपना इतिहास ना बताओ हमका अपना इतिहास ना बताओ हम तुम्हारे लोगों की जमाने में पूजा। चलो बताओ कहो तो एक हिंदू जा रहा है। अरे नहीं गलत बात नहीं गलत बात नहीं गलत बात नहीं। चलो तो पूछवाई गलत बात नहीं। चलो अब हमका बताओ कहीं तुम जो नहीं हमका नहीं उस बात हमारा धर्म एक है। हम तुमका कार लगाएंगे ना तो तुमसे पूछवाए ना। हाँ ये बताओ हमका कि अगर हम साबित कर दे सवाल के जवाब तो सीधी सी बात है। मुंह के गटर पे शटर लगाओ और मेरी मेरी सवाल को सुनो। अगर हम साबित कर रहे सवाल के जवाब नहीं है लड़का आदमी सुनत नहीं इतना फुहान गवर हो लेकिन सुनत नहीं हो भी है। सवाल के जवाब दो हम चलो भाई चली भागी। हाँ काहे की दुकान है तुम्हारी? सेंट्रिंग प्लाई। चलो हमको साबित कर दो कुरान हदीस से कि इसका धंधा करे जायज है।
ये मेरा भाई देखो तुम्हें मेरा भाई की सिलाई की दुकान पर हम सिलाई कर आ गए। मेरा भाई बरेलवी है। अरे माशाल्लाह तुम्हारा भाई कहाँ रहा फिर वो? अगर अगर बरेलवी मुशरिक होता है तो मुशरिक भाई कहाँ होता है? सुन लो पहले बतिया सुन लो बतिया बता। मेरा भाई जो है कहता है तुम्हारा भाई कहाँ करता है? हमारा पोजीशन कुछ खराब हो गया तो हमने कहा कि काहे में गिरवा दो पैसे से मैं। हाँ तो वो तो खराब हुई करे तुम्हारी किस्मत खराब तुम्हारी बातें वाले तो पहले उसके बाद आकर तुम्हारे बात सुनो तो पहले बताओ बतिया बताओ। तो उसने कहा कि ऐसा है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं मगर एक काम करना पड़ेगा। उनका इनकाओ कहीं हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसा है हम तुम्हारे धर्म पे थूकते हैं और लात मारते हैं। अच्छा है ना? और अगर हम जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इब्राहिम हाँ तो कौन से याद नहीं आ रहा तो उन्होंने रेहड़ी रगड़ा था तो पानी निकला तो याद नहीं आ रहा देखिए दिमाग मिस कर रहा। हाँ। तो हमने कहा ऐसे हम चलो उन्होंने कहा था जम 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 पानी ठहर तो पानी रुक। हमने कहा कि हम एड़ी रगड़ के मर जाएंगे। तो बताओ उनका हमारे निहाल भाई हैं किन्होंने एड़ी रख ली थी बताओ। इब्राहिम याद नहीं आ रहा देखो ऐसे मुसलमान हो यार यही तो जबरस्ती वाली बात ना बीसीटी। चलो बताओ फिर कहा अपने भाई का इंसान से। हाँ तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। तो भाई ने कहा मैं अच्छा एक मिनट तुम क्या कहा चाहते रहे कि इंसान से गलती हो सकती है राइट? इंसान है इंसान से गलती होती है। बहुत पहले हुई थी नतीजा आ जाए फिर क्या हुआ? उसने जो कहा उसने कहा कि हमारा धर्म स्वीकार कर लो हम पलाई गिरवा देंगे 20 चक्का और बेचो अपना आराम से आपको मिलेगा बढ़िया इनकम। तो हमने सीधे कह दिया भैया ऐसा है हम तुम्हारे धर्म पे थूकते और लात मारते हैं और एड़ी रगड़ के मर जाएंगे मगर ये कहो कि ऐसा हम स्वीकार कर ले तो ऐसा तो कभी नामुमकिन है। बिल्कुल सही कहा। तो जो है आबे कौसा सब किसी को थोड़ी आता होता है। साल भर तक के अल्लाह ने आजमाया। उसके बाद ये जा रहा था उमरा करने तो आया कहा कि ऐसा हम जा रहे हैं उमरा करने और ऐसा है तुम निकले उमरा करने और हम जो है अब उधर से जब आएंगे तब जो है हमने कहा भी नहीं। उसने कहा कि दुकान भाड़े पुता उठा दो। हमने कहा उठाने के लिए तो हम तैयार हैं मैं कौन लेगा कहीं हम ले रहे हैं। हमने कहा भाड़ा क्योंकि हम 15,000 रुपया देंगे। हमने नहीं हमने मांगा 20,000 रुपया। ये बड़ा भाई का छोटा भाई तुम्हारा छोटा भाई सबसे छोटा छोटे भाई को दुकान किराए पे दे रहा हो तू फिर क्या हुआ? तो हमने 15,000 रुपये तय कर लिया। तो वो जो है उनका आदमी आके बैठता है यहाँ पे है और वही बेचता है वही सब कुछ करता है बाहर पन्नी बधा हुआ है सेंटिंग प्लाई गिरा हुआ वही अपना हिसाब किताब बनाता है। अच्छा। हमको 15,000 रुपये रुखे रुखे गोश रोटी बैठ के चापते हैं। तो अब न हर्रे लगे न फिटकरी अल्लाह ताला दे दिया। तो अल्लाह ताला पहले अजमाता है तब देता है तो बनो अहले हदीस तब देगा ना। तो वही तो हम तो बनत चाहिए हम तो हई है अहले हम तो हई है अहले हदीस अहले हदीस का हमें ये बताओ बाबूजी सिराजुद्दीन नाम ना तुम्हारा? मेरा नाम सिराजुद्दीन है दीन का चिराग हाँ। नदवे का पहा हुआ नदवे का जाने लेकिन नदवे में तो सब मुकल्लिद रहते हैं भैया भाई वह तो कौमे लूट होते खुदा की कौमे लूट होने का मौसम वहाँ पे 1981 में जब मैं पढ़ रहा था पुराने उस्ताद इसका मतलब है क्या उम्र है तुम्हारी? हमारी उम्र करीब 55 साल है। अरे तंचास कुछ दिनों में बस टाटा बाय बाय बड़ा आलमी नदवी साहब थे। तो वहाँ पे जो है बड़ा हरामी पना होता था। अरे कसम खुदा की वो कौमे लूत की हम कहा बतलाए अल्लाह क्या करते थे हमारे रेलगाड़ी का डिब्बा बनवाते थे ना ये कहते थे झुको झुकाओ झुकम झुकाई के लिए। अरे बस 2-3 साल पढ़े लोग भाग गया ये है कि अल्लाह ताला इतना इल्म दे दिया कि सच और
गलत जो है पहचान हो गया। हाँ, कुरान शरीफ कागज पढ़ नहीं पाते, अटक अटक के पढ़ लेते। चिराग, ये बताओ तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया था उन लोगों ने? है तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया था उन लोगों ने? नहीं, खुद जूने तुम्हारी करते हुए साथ गलत है तो तुमसे कहें तुमका झुकपा। मगर ये बदमाशी में बहुत आगे रहे। अच्छा, हाँ, हमसे कोई बात में जीत नहीं सकता। अच्छा, अगर सामने वाला गाली दे रहा हो तो मेरा चैलेंज है कि आधे घंटे के अंदर उसका गाली बंद हो जाएगा और मैं गाली भी नहीं दूंगा। अच्छा, ये मैं गाली भी नहीं दूंगा और वो गाली बंद कर देगा, वो मजबूर हो जाएगा। हमारे पास पता है, हमारे पास एक ऐसा फसाई खातिर एक हम नेट जाल बनवाए हैं कि अगर हमसे कोई इस तरह बोले रहे तो हम आधे घंटे नहीं, हम 15 सेकंड में उसकी बोलती बंद कर देंगे और वो ये सोचेगा अब हम बोले कि ना बोले। बताए कैसे? हाँ, जब हमसे कोई गाली बकता है, हमको कोई गाली बकता है तो मुझसे पता है क्या कहते हैं, तुम सिराजुद्दीन। हाँ, हम तुमसे कहें अगर सिराजुद्दीन ने अब कुछ फोन पे बोला तो सिराजुद्दीन चोर, और सिराजुद्दीन ने अगर कुछ नहीं बोला तो सिराजुद्दीन क्या अब्बा चोर। अब तुम क्या करो? हाँ, बताओ तुम बोलोगे क्या? बोलेंगे तुम चोर हो जाओ, तुमने बोला तो तुम चोर, और तुम नहीं बोले तो तुम्हारे अब्बा चोर। उससे भी बढ़िया ताकतवर हमारा फार्मूला है। बताओ बताओ अपना मंत्र। नहीं तो अच्छा, चलो बहुत मजा आ रहा है तुमसे बात करके। तुमरी कहती के एक वो रहे लल्लू, बस उनका भी नाम सिराज है। वो सिराजुद्दीन नहीं नाम है, उनका नाम है मिराजुद्दीन उर्फ संजय परवाना। अपने जमाने में बड़ा इसको डांस करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो चैनल वैनल बना लिए हैं यूट्यूब पे और मां लोगों को खूब गुमराह करता है। वो अहले हदीस हो गए फिर वो भी। हाँ, उनको हमने समझाया तो ये बताइए कि आज लड़के हो भी। हाँ, चार पहाड़े हमसे कई मर्तबा बात हुई है। ये बताइए पूरी बिरादरी है। अच्छा, चावल अमल का काम होता है? नहीं, रुई का है। फिर है दुनिया जैसा बोलते, दुनिया दुनिया है। अच्छे में बोलते हैं मंसूरी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैं ये कह रहा था सिराजुद्दीन बाबू, हाँ, कि आप पहले क्या थे जब आप पैदा हुए और आपने होश संभाला तो तब आप क्या थे? आपके घर वाले अम्मा अब्बा क्या थे? हमारे अम्मा अब्बा वही थे, बरेला। बरेला थे? देखिए हमने सेवा भी किया है तो अम्मा हयात है अब्बा? अम्मा अब्बा नहीं। हाँ, अब्बा भी है अम्मा भी है। अच्छा, तो हम में जब वहाँ दंगा हुआ था फैजाबाद में। अरे पहले सुन तो लो, अभी हैं अम्मा अब्बा हयात? हाँ, अम्मा अब्बा हैं। तो वो तो मुशरिक हैं फिर? हमारी माँ जो है ये चिया गिनती हैं, हम मना करते हैं तस्वीर लेकर के। तो हमारा काम मना करना, वो काम हमारे बाप जो है अहले कुरान है। अच्छा, हमारे दो भाई वो कबर पुजारी हैं, बरेली हैं, बरेली हैं मतलब। और एक भाई अहले कुरान है जो गांधीनगर में है। अच्छा, और एक भाई जमात इस्लामी है। सब कुछ है, सब लखनऊ में रहता है, सब कुछ है घर के अंदर। हाँ, मिक्स वैरायटी है। अरे जो आम चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ, और तुम्हारे लड़के वड़के हैं कि नहीं? हमारे लड़का एक ही है। वो कहा है? अहले कुरान। अहले हदीस है। तो हम ये पूछते हैं तुमसे कि जब तुम्हारे अम्मा अब्बा सब बरेलवी ठहरे, हाँ, तो फिर अम्मा अब्बा तो तुम्हारे मुशरिक हुए और फिर तुम मुशरिक की औलाद फिर हुए ना? गलत बात है। ये बतलाई दो। हाँ बताओ। अल्लाह के नबी के पिताजी की माजल्लाह रब्बिल आलमीन, माजल्लाह तुम्हारे पर लाना तो नहीं। अल्लाह के नबी हम बता रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैं जितने भी मफहूम है आयत का कि अल्लाह ताला के जितने नबी और पैगंबर अल्लाह ताला ने जमीन पे भेजे पैदा किए तो वो सब पाक मुंतकिल हुए हैं। वो मुंतकिल हुए हैं तो पाक नुतफों से मुंतकिल हुए हैं। हाँ, उनकी नस्लें पाक तो हैं। हम कहा कुछ कह रहे हैं है ना? तो मगर तुमने कहा ना ईमान वाली बात हो ना, असल में हाँ। तुम लोग यही तो अहले हदीस हैं कि जो हाँ। अपने नबी जिसका कलमा पढ़ते हैं हाँ। उसके वालिद को भी माजल्ला वो मुशरिक कहते हैं। सुम्मा माजल्ला, सुम्मा माजल्ला, लाना तो तुम्हारे ऊपर। नऊज बिल्ला। अब आपको दावा कोई नहीं कर रहे। अब हमें ये बता, नूह अलैहि सलाम का बेटा क्या जाएगा? आप हमें ये बता। नहीं, बेटे की बात नहीं हो रही, माँ बाप उनके मुंतकिल हो गए। इब्राहिम अलैहि सलाम के पिताजी हाँ कहाँ जाएंगे? क्या पिताजी का क्या नाम था उनके? आजर।
हाँ आदर नाम था। हाँ तो वो क्या थे? मूर्ति बनाते थे। चलो बता दो, वो मुसलमान थे कि नहीं थे? मुसलमान थे कि नहीं थे? मुसलमान थे। चलो मुसलमान मूर्ति बनावत है, उसमें मूर्ति को फातिया करते थे, उसको बेचते थे। देखें सामईन सुने, ये ऐसे लोग हैं जो अहले हदीसों में पाए जाते हैं, ये बताने के लिए इनको कॉल करी थी। तो मैं और ये पूछ रहा था कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम भी तकलीद करते हो तो अहले हदीसियत से तौबा कर लोगे? तकलीद हम करते हैं। हाँ करते हो। कैसे? अभी बता रहे हैं। हाँ तुम नमाज पढ़ते हो पांचों वक्त की? हाँ बिल्कुल। चलो फजर की नमाज पढ़ते हो? बिल्कुल। चलो फजर की नमाज का तरीका कुरान और हदीस से बता दो। फजर की नमाज कुरान हदीस से? अब हम चल के किताब खोलें, तब किताब खोल के बतलाएंगे। आसान करे दे रहे हैं, आसान कर देते हैं। कुरान का तर्जमा पढ़ते हो? हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। किसका तर्जमा, कौन किसका लिखा हुआ? अरे किसी का तर्जमा पढ़ लीजिए, कौन सी बात है। ठीक है, अब ये मसला है कि तकलीद के मायने होते हैं कि गैर रसूल की बात को बिना दलील के मान लेना, इसे तकलीद कहते हैं। हाँ और जो तकलीद करता है उसे मुकल्लिद कहते हैं। बिल्कुल। अब तुम जिसका तर्जमा पढ़ते हो उसने वो तर्जमा सही लिखा है या गलत लिखा है, इसकी तुम्हारे पास दलील क्या है? दलील क्या है? अरे जब कलाम पाक फला का निकालिए, फला का निकालिए, दोनों में अंतर हो जाता है तुरंत। चलो दोनों दो अगर एक दूसरे से मिला रहे हो, दो तर्जमे की तुमने ला के रख दी है किताब, और दोनों को मिला रहे हो, दोनों में कुछ फर्क है, तो दोनों में से कौन सा सही है, इसकी दलील शरी क्या है? वो तमाम अहमद रजा का लिखा हुआ है, उन्होंने तर्जमा लिखा है। नहीं वो लिखा हुआ किसका नहीं, जिसका पढ़ते हो उसने सही तर्जमा करा है, उसकी तुम्हारे पास दलील शरी क्या है? अरे ये तो क्यों ना बतला सकते, तो मुकल्लिद होगा। दलील शरी क्या है? तो मुकल्लिद होगा क्योंकि गैर रसूल की बात को बिना दलील शरी के मान लिया तुमने। खत्म अहले हदीसियत का, ये तो अभी हमने तुम्हें पता है खाली चुटकी बजाई है, अभी तो अगर ताली बजा दे तो तुम तो भाग ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब एक तर्जुमा कैसे क्यों दूसरा कह दिए? हाँ तो वही तो कह रहे, किसका तर्जमा सही है इसकी तुम्हारे पास दलील शरई क्या है? और तुम अगर तुम जिसका भी तर्जमा पढ़ो उसको सही मान रहे हो, यानी कि तुम उसके अंधे मुकल्लिद हो, क्योंकि तुम ये मान रहे हो इसने सही लिखा है, जबकि तुम्हारे पास दलील शरई कुछ नहीं है। फंदा हो? फंदा नहीं है, ये तो बहुत भयंकर सवाल है। चलो अच्छा कुरान की बात नहीं करते, चलो हदीस की बात करते। इमाम बुखारी पे तो मानते हो, इमाम बुखारी की हदीस शरीफ किताब को तो मानते हो? हम तो मानते हैं, मगर मानते हो देवबंदी बरेली थोड़े मानते हैं। हाँ वो तो बात की बात है। अब तो इमाम बुखारी ने बहुत सारी हदीस पाक नकल की हैं। हाँ अब इमाम बुखारी ने वो हदीसें पाक जो नकल की हैं सनद के साथ, वो इमाम बुखारी ने ही करी है, तुम्हारे पास इसकी दलील क्या है? दूसरा सवाल, इमाम बुखारी ने जो तहकीक करी है उसकी सनद पे, वो सनद सही है, तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है? अच्छा अच्छा साबित करो। तब तू कयास लगाओ, क्या करे है? नहीं तो तुम्हारा कयास लगाने वाला तो शैतान होता है इब्लीस, तुम तो कयास लगा नहीं सकते। ऐसे तो फंसा रहे हो, फंसा कहाँ रहे, हम तो पूछ रहे हैं तकलीद के बारे में। सवाल कर भाई, तुमने ये पूछा था अब्दुल्ला भाई से कि जिन जिन्नात किसकी तकलीद करते हैं, इमाम आजम की करते हैं कि नहीं? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब वही लिखा हुआ है जहाँ पर ये लिखा है कि जिन जिन्नात फला का तर्जुमा पढ़ते हैं, उसी से पहले वाले पन्ने पे लिखा हुआ है। अब तुम अगर पढ़े हो वो किताब तो तुम हमको बता दो, जिन जिन्नात किसका तर्जुमा पढ़ते हैं। जवाब यही है कि वो जो है जिन्नात जो है किसी की तकलीद नहीं करते। चलो साबित करो, ये तो चौथी सदी हिजरी में जो है, साबित करो जिन जिन्नात किसी की तकलीद नहीं करते हैं, जिन्नात के किसी उलमा से साबित करो। चलो जिन्नात के किसी इमाम से साबित करो। चलो तकलीद आप करते हो, तकलीद तकलीद साबित करेंगे। अरे तुम करते तो हो, कुरान का तर्जमा पढ़ लेते हो, किसी का भी बिना दलील शरई मांगे तकलीद हो तो गई। और तकलीद बिलाल मिलके का नाम पाकिस्तान में दूसरा मिलेगा। हाँ अरे वो तीसरा मिलेगा, वो 100 मिलेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब अफगानिस्तान में दूसरा मिलेगा, अमेरिका में दूसरा मिलेगा, श्रीलंका में दूसरा मिलेगा। चलो सुनो, जहालत वाली बात मतलब है, हमें उससे मतलब है जिसका बनाने वाला। अब गाली बक रहे हो, लगाई बंद करो, गाली बक रहे हो, गलत बात है ना, गाली नहीं बको। हम वो गाली बके हैं, अभी तुमने CHUTIYA कहा,
हाँ तो हम यहाँ की भाषा बोल रहे हैं तो हम भी लखनऊ के हैं, हम भी यूपी के हैं, हम भी यूपी के हैं, हम ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी तुम्हारे गंदी गंदी सुन चुका है अप्पू खान से बातचीत तो कितने सही की भी बजाई हमने, उसकी भी बजाई, अब तुम्हारी भी बजाई देखो बताओ तुम्हारी बजी कि नहीं बजी, तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि इसका कुरान का तर्जुमा वो तर्जुमा सही है कि गलत है, इसकी तुम्हारे पास दलील शरई क्या है? ये वकालत वाला हिसाब बंद करो। अरे लेकिन तुम तो बड़े लोगों को बता देते थे ना, अब आधे घंटे में कोई जवाब नहीं दे पाता था, तो आज हमसे बात करो। आया है तुम्हें चैलेंज कर रहा है एक शख्स यूपी का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। हाँ तो पूछा तो है तुमसे, बताओ अगर तुम जिसका भी तर्जुमा पोंखते हो वो तर्जुमा सही है, इसकी तुम्हारे पास दलील शरई क्या है? दलील शरी का सवाल हम किए ना, तो तू जवाब दे दो कि हम जवाब दे। कभी कभी सवाल का जवाब सवाल ही में होता है, सवाल ही में होता है, जवाब दो तब दो जवाब। हाँ तो जवाब दो। अरे जवाब ये तो साबित हो गया कि तुम मुकल्लिद हो, जवाब दो ना। मैं अरे मैंने जवाब दे तो दिया, अगर तू जवाब दे दो तो हम मानने के लिए तैयार है। मैं जवाब दे तो रहा हूँ तुमको कि हाँ। तुम जिसका तर्जमा पढ़ते हो तुम उसकी हाँ। तकलीद करते हो, तुम कह रहे हो कि हम तकलीद नहीं करते, तो हमने कहा तुम जिसका तर्जमा पढ़ते हो उसका तर्जमा सही है, जवाब दो। तुम्हारे पास दलील शरई तो दिया जवाब आम के बारे में, जिन्नात भी वही, जिन्नात भी वही कुरान पढ़त है जो तुम, हम पढ़त है, तुम भी वही पढ़त हो जो जिन्नात पढ़त है। नहीं अरबी में कुरान तो सब सेम है ना, अब वही बात हम तुमसे पूछ रहे हैं कि जिन्नात किसका तर्जुमा घुमाने वाला काम सुबह से लेकर रात, तुम्हारे पास इतने जिन्नात आवत हैं और तुमसे ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं, हमारे पास भी एक जिन्नात देख रहे हैं कादर खान के, हमारे कादर खान है बतलावत है कि चकली बनने केला, केला चकली अगर जब कुछ दूर चलाया था तब वो जोड़त है कि यार चकली मतलब केला, केला के और वो फंस जाए साला, तो वो है चालावत। तो बहुत बात हो गई, इतनी तुम्हारी औकात जमाना, इतनी देर बात कर ली लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बात हम कर लेते हैं, तो हमको अभी तुम बता पाओगे कि नहीं तुम जिसका तर्जमा पढ़ते हो उसका सही तर्जमा, इसकी दलील शरई दे पाओगे? ऐसा है ना तू हमें जो सवाल किए हैं उसका जवाब दो बस। इनका नाम है सिराज उद्दीन, दीन का चिराग, लेकिन दीन के बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है ये। हमामिया शराब का नाम तो शराब शराब होता है, और तो डायलॉग के ऊपर जो है वो केक का स्टिकर लगा देते गू जो है ना कुछ है, तो बता दो ना अगर हमारे डायलॉग है तो आज बिना मुंह बंद करा दो हमेशा के लिए भाई। मेरा मुंह आज तुम्हारे पास मौका है, हाँ दलील हमें दे दो कि तुम जिसका तर्जमा पढ़ते, तुम तकलीद कौन अंधी, तुम अंधी, तुम करते हो अंधी तकलीद, तुम करते हो अंधी तकलीद करते हो, तुम जिसका तर्जमा पढ़ते हो बिना दलील के उसके तर्जमे को सही मान लेते हो, इमाम अबू हनीफा की तुम अंधी। अरे हम तो करते हैं, इमाम आजम की करते हैं, तुम तो अंधी करते हो, कोई मिल गया अंट संट बंट झंट सब की कर लेते हो, देवबंदी है। अच्छा चलो अब ये बताओ तो तकलीद आप करते हो, बताओ बता पाओगे कि नहीं दलील शरी दे पाओगे जिसका तर्जमा पढ़ते हो उसका तर्जमा सही है गलत, दलील शरी है कि नहीं? हाँ या ना कहो, हाँ या ना कहो, कहो तो किताब लेके नहीं बैठे है ना। चलो जाओ, हम भी किताब लेके नहीं बैठे तुम्हारे जैसों के लिए, जिसने हमने किताब ले ली ना उस दिन हमारे ऊपर थू है, अब तुम्हारे ऊपर थू है। चलो जाओ पिलाई बेचो पिलाई, तुम्हारी पिलाई हो गई।